दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के लिए जो बेसिक सा पॉइंट होता है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, जो सिविल साइड इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं जितना सारा वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर फॉर डाउल्स वायर। डाउल्स वायर के लिए मिनिमम कितना एमएम का स्टील यूज होता है। तो दोस्तों डाउल्स वायर के लिए कितना एमएम का, 12 एमएम का मिनिमम, 12 एमएम डाया का बार यूज होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जो आ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट। कंक्रीट होने के बाद तो उसका जो क्यूरिंग पीरियड होता है मिनिमम कितना डेज होता है। दोस्तों देखिए, नॉर्मल वेदर कंडीशन जो होता है उसमें 7 डेज क्यूरिंग पीरियड होता है। ठीक है, ड्राई और हॉट वेदर होगा तो मिनिमम जो क्यूरिंग पीरियड होता है 10 डेज। ठीक है, क्या होता है, नॉर्मल वेदर कंडीशन में 7 डेज और ड्राई और हॉट वेदर जो कंडीशन होता है उसमें 10 डेज आपका कंक्रीट क्यूरिंग पीरियड होता है। ठीक है, व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो ग्रेड है, कुछ कंक्रीट को ऑर्डिनरी कंक्रीट कहा जाता है, कुछ कंक्रीट को स्टैंडर्ड कंक्रीट कहा जाता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहा जाता है। जैसे कि ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 to M20, मतलब M10 का बीच में M15 भी है, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है, व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन सा है, स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 to M35 का अंदर जो जितना सारा कंक्रीट होगा, ग्रेड कंक्रीट होगा, वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में आ जाएगा। ठीक है, व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 to M80 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसका अंदर, इसका बीच में जितना सारा ग्रेड होगा ये हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन ए मिक्सचर मशीन। मिक्सचर मशीन का अंदर जो कंक्रीट मिक्स होता है उसके लिए मिनिमम 2 to 3 मिनट लगता है। ठीक है, कंक्रीट मिक्स करने का टाइम कितना लगता है, मिनिमम 2 to 3 मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड विंड। एज पर IS कोड हिसाब से फुटिंग कॉलम और स्लैब के लिए मिनिमम कितना कवर होना चाहिए। तो फुटिंग के लिए दोस्तों देखिए, 50 mm फुटिंग के लिए कितना होना चाहिए, 50 mm। कॉलम के लिए कितना होना चाहिए, 40 mm। ठीक है, ये कवर ब्लॉक है, मतलब एक मान लीजिए कंक्रीट फेस है, इसका अंदर स्टील है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट फेस से कंक्रीट फेस, ये जो डिस्टेंस है ये कवर कहा जाता है। तो ये जो कवर है ये कितना होना चाहिए, फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, स्लैब के लिए मिनिमम 20 mm और बीम के लिए मिनिमम 25 mm। ठीक है, व्हिच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज फॉर चेयर। चेयर के लिए कितना mm बार यूज होता है, मिनिमम कितना डाया का बार यूज होता है। दोस्तों याद रखना, 12 mm का जो डाया बार होता है वो यूज किया जाता है चेयर के लिए। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, जो साइड में जो स्टील आता है उसका स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है। स्टैंडर्ड लेंथ कितना, 12 मीटर। ठीक है, जो साइड में स्टील आता है उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है 12 मीटर होता है, और फुट में करेंगे तो 40 फीट। ठीक है, 40 फीट, इसको याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही सिविल रिलेटेड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।